स्वागत है आपका कामत की रसोई में। आज मैं आपको पोटैटो सैंडविच बना के बताऊंगी जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। देखिए इस तरीके से मैं पोटैटो सैंडविच आपको बना के बताऊंगी। चलिए हम पोटैटो सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, देखिए हमने चार ब्रेड लिया है। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आटा ब्रेड, आप चाहे तो सफ़ेद ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा आटा ब्रेड ही खाए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है हरी चटनी तीखी वाली, और मैंने यहाँ लिया है लाल चटनी सेजवान वाली। मैंने यहाँ पे एक प्याज काट के ले लिया है बारीक तरीके से, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने थोड़ा हरा धनिया भी लिया है काट के बारीक तरीके से। और इसी के साथ मैंने लिया है छह आलू, जिसको मैंने उबाल के अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, कढ़ाई को मैं गैस पे गर्म होने, देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच तेल, देखिए मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ, हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों, मैं पीली वाली डाल रही हूँ, आप चाहे तो काली वाली भी डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए हमारी राइस चटक टूटी चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने एक प्याज काट के रखा था वो। हमें गैस को मीडियम रखना है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है ताकि इसका पानी है ना वो सूख जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए हमारा प्याज जो है ना, दो मिनट बाद देखिए जो सॉफ्ट हो रहा है बिल्कुल। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन और हरी मिर्च भी, मैं जो दो काट के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और सिर्फ दो मिनट हमें और भूनना है इसको मिक्स करते हुए। देखिए हमारा प्याज जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, दो मिनट हो चुका है। मैं इसमें देखिए आधा चम्मच से कम हल्दी डाल रही हूँ, इससे हमारे जो आलू का पेस्ट है ना उसमें बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है, आप देख सकते हैं। और हमारा आलू सैंडविच बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा, पोटैटो सैंडविच। इसमें मैं डालूंगी आलू, देखिए, और इसमें जो हल्का सा आलू का गांठ है ना उसको मैं दबाते हुए मिक्स कर लूंगी। देखिए हमने आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी, देखिए मैं 1/3 स्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत तीखी होती है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और देखिए मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें काला नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले, देखिए मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार लेना। और इसको मैं चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, आलू को मिक्स करते हुए हमें सही तरीके से भूनना है। देखिए मैंने 4-5 कड़ी पत्ते लिए थे, बिल्कुल ताज़ा है, इसको मैं ऐसे तोड़ के, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, देखिए वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए और मैं हरा धनिया रखी थी ना वो भी मैं डाल दूंगी और मिक्स करके 2 मिनट भून लूंगी। देखिए हमारा जो आलू है ना, देख सकते हैं आप कितना अच्छा बन चुका है, एक भी गांठ नहीं है इसमें और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसमें 3 मिनट लगे हैं मुझे आलू का पेस्ट तैयार करने में, देख सकते हैं आप। मैंने गैस को मीडियम रख के तब बनाया है, अब मैं 2 मिनट तेज करके, 2 सेकेंड सॉरी, और इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी, देखिए, और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से मैं निकाल के इसको ठंडा होने दूंगी और फिर मैं आपको सैंडविच बना के बताऊंगी। देखिए हमारा जो आलू है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें सैंडविच कैसे बनाना है। देखिए बहुत ही आसान होता है दोस्तों सैंडविच बनाना ये, और हेल्दी बहुत होता है, आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। देखिए सबसे पहले मैं इसमें, हमने जो ये टमाटर की ये सेजवान वाली चटनी ली थी ना उसको मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगी,
अगर आपके पास और भी कोई दूसरी चटनी है आप वो भी सॉस लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसमें भी देखिए इस तरीके से मैं सारे ब्रेड में लगा लूँगी। देखिए मैंने लगा लिया है। जब तक हम ये लगा रहे हैं हम गैस भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। मैं सैंडविच आपको तवे में बना के बताऊँगी। देखिए और ये जो आलू है ना इसको हम अच्छी तरीके से इस पे रखते हुए, आपको जितना पसंद है आप ज़्यादा ना भरें, जितना मतलब पसंद है आपको आप उस हिसाब से ही आलू को भरें। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं दोनों ब्रेड में अच्छी तरीके से फिल कर लूँगी बराबर शेप में। देख सकते हैं आप, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और खाने में तो लाजवाब होगा ये। देखिए हमने चार ब्रेड लिए, इससे हमारा चार सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं, ये देखिए हमने ये दोनों ब्रेड में अच्छी तरीके से आलू को लगा लिया है। अब मैं ये दो जो हमारा ब्रेड बचा हुआ है ना वो भी मैं ले लूँगी, इसको मैं यहाँ रख दूँगी और ये मैं लेके, ये देखिए इन दोनों ब्रेड पे मैं इस हरी चटनी को लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं इसमें लगाऊंगी, इससे जो है ना बहुत ही स्पाइसी हमारा ये पोटैटो सैंडविच बनके तैयार होगा। देखिए देख सकते हैं आप, और इसको मैं इस तरीके से चिपका दूंगी दबाते हुए। देखिए ये बहुत आसान होता है दोस्तों, आप जरूर बनाना अपने घर पे और अपने बच्चों को अपने परिवार वालों को बना के खिलाना। हमारा एक सैंडविच बनके तैयार है, इसको मैं यहाँ रख दूंगी। इस पर भी मैं हरी चटनी इस तरीके से लगाऊंगी फैलाते हुए। देखिए हमने दूसरे ब्रेड पे भी बहुत अच्छी तरीके से हरी चटनी को लगा लिया है। अब इसको भी मैं इसमें रख के, ये जो आप सोच रहे होंगे ये जो मैं चटनी लगा रही हूँ ना आपको ब्रेड ये सैंडविच बनने के बाद मैं आपको बताऊँगी, इसका जो कलर है ना आप देखना कितना अच्छा आने वाला है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने इसको भी दबा लिया है, हमारा दोनों सैंडविच बन के तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी, देखिए मैं बटर में बना रही हूँ सैंडविच, मैं इसमें और तवे में बना रही हूँ। देखिए इसको मैं, और मैंने गैस का फ्लेम जो है ना बिल्कुल मीडियम कर दिया, बिल्कुल लो कर दिया। देखिए और इसको मैं दबाते हुए गैस को मीडियम रख के, ये देखिए गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से दबाते हुए अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हो। इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा बटर लगा दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा हमारा ये सैंडविच बनके तैयार होगा, बहुत ही क्रंची। देखिए कितना बढ़िया हमारा, देखिए कितना अच्छा ब्रेड का कलर आ चुका है और बिल्कुल क्रंची हो चुका है। इसको मैं दबाते हुए अच्छी तरीके से, एक से डेढ़ मिनट लगता है एक ब्रेड को सीखने में, बस जो टाइम लगता है ना वो जो हम आलू का पेस्ट बनाते हैं ना उसमें लगभग 5 मिनट लग जाते हैं, और इसको ब्रेड को सीखने में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। टोटल आपके 10 मिनट में बहुत ही अच्छा ब्रेड बनके तैयार होगा। देख सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। मैं दोनों तरफ से एक बार और सेक लेती हूँ। आप गैस को तेज ना करें, नहीं तो अगर गैस का फ्लेम आप तेज रखेंगे तो आपका ब्रेड क्रंची नहीं होगा और जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे ही बनाए। ये देखिए देख सकते हैं आप, देखिए कितना, देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा हमारा सैंडविच बनके तैयार है। देखिए हमारा एक सैंडविच बन चुका है, अब मैं दूसरे सैंडविच को भी उसी तरीके से पहले बटर डालूंगी और उसके बाद मैं ये ब्रेड, देखिए और इसके ऊपर से भी हम बटर लगाएंगे इस तरीके से। बटर की वजह से हमारा ब्रेड बहुत क्रंची बनेगा। ये देखिए इसको मैं पलटा दूंगी, देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है हमारा ब्रेड, बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनके तैयार होगा। आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ब्रेड ये
पोटैटो सैंडविच बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या मेरे से मिस्टेक हुई है या कोई चीज़ आपको मेरी रेसिपी में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। देखिए बातों बातों में हमारा जो ये सैंडविच है ना सिक चुका है। देखिए हमारा दूसरा सैंडविच भी कितना बढ़िया सिक चुका है। इसको भी मैं यहाँ निकाल लूँगी, मैं गैस को कर दूँगी बंद। अब मैं आपको बताऊँगी इसको हमें किस तरीके से काटना है। देखिए नाइफ की सहायता से हमें इसको दबाते हुए मैं इसको काट लूँगी। अभी सही से ये नहीं कटा है, देखिए देख सकते हैं आप। देखिए कितना, देखिए हमने जो हरी चटनी लगाई थी और हमने जो रेड चटनी लगाई थी इसका कितना अच्छा फ्लेवर देखिए, देख सकते हैं आप। इसको मैं यहाँ रख लूँगी और मैं दूसरे ब्रेड को भी इस तरीके से कट करूँगी। ये नहीं कटा अभी, तो हमें आराम से काटना है। देखिए हमारा चार सैंडविच बनके तैयार हो, सारे ब्रेडों को कट कर लिया है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं हमारा जो सैंडविच है ना कितना बढ़िया और क्रंची बनके तैयार है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मैं देखिए इमली की चटनी और हरी तीखी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए और कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।